गाइस ये देखो जरा, इसे कहते हैं पुडल, पुडल बोलते हैं इसे, जो कि यार एकदम ऐसा लगता है कि स्वेटर है पूरा का पूरा। बहुत प्यारी डॉग ब्रीड है यार। नाम क्या है इसका? लीजी। वो भाई एक्टिवनेस देखो भाई, खतरनाक। ये मुझे लग रहा है वीडियो नहीं बनाने देंगे। 15,000 सब्सक्राइबर प्लस में होते हैं और इस वीडियो पे 5,000 कमेंट होती है। मतलब वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जितने भी डॉग लवर्स हैं सब में फैला दो। को इसके अडॉप्ट करा देंगे फ्री में, ठीक है? ब्लू आईज हिप्नोटाइज, ठीक है? व्हाट इज अप एवरीबॉडी, यूट्यूब पर सूरत दिल्ली वाला। तो गाइस आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आपने टाइटल थंबनेल सही देखा है गाइस, आज हमारा भाई आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आप एक डॉग लवर हो तो यार। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मैं आ रखा हूँ कहाँ पे, सौरभ भाई के यहाँ पे, द पेट मेंशन पे। और ये हैं हमारे सौरभ भाई, तो इनके दो दो काम हैं भैया, दोनों काम दिखा देंगे हम। कैसे हो सौरभ भाई? मैं घर से प्लान करके आया हूँ कि आज जितने भी मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं सबको खुश कर देना। अपने सब्सक्राइबर के लिए कुछ ना कुछ प्लान करता रहता हूँ, गिव अवे वगैरह, बट इसको मैं गिव अवे नहीं बोलूंगा, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है। और जितने भी डॉग्स लवर हैं गाइस यहाँ पे आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, डॉग फूड वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारी की सारी, ओहो, डॉग फीड दिखाने वाला हूँ, सारी की सारी नहीं, बट आज की वीडियो में हस्की दिखाएंगे सिर्फ, जो आपके पास है। के मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा ना, पक्का। डॉग ब्रीड आपके पास हस्की भाई, अपनी अलास्कन भी है, हाँ जी, हस्की भी है, ओके, बुल्ली कोट में हस्की भी है, बुल्ली कोट में भी हस्की है। अब आपके अपने पास दो तीन और, मतलब अगर हस्की की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी ब्रीड मिल जाएगी, सारी बहुत ही बढ़िया। और ये है भाई को सौरभ भाई के इतने सारे डॉग्स, बहुत कितने हस्की है आपके पास ये बताओ भाई? अभी राइट नाउ होंगे 10 या 11, मतलब सारे होम ब्रीड है। हां भाई बढ़िया गाइस। और मेन चीज क्या होता है, हस्की को ना मेंटेन करना ना बहुत मुश्किल है मेरे भी, आप अगर देखा जाए तो चार ही है अभी, तो चार है बाकी। ये वाली ब्रीड ना थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है हस्की में, होम ब्रीडिंग है, ओके। वैसे इस हस्की को क्या बोलते हैं, ये जो बहुत एक्टिव है, ये अलास्कन है, ये अलास्कन, ओके। देखो भाई फुल एक्टिव, हाँ जी, ये वाला अपना डॉग है ना, ये 1 साल या 13 महीने का हो रहा होगा, ये 13 महीने साइज देखो और उसका साइज देखो भाई, ये देखो हाइपर एक्टिव। इसके बारे में बात करें तो भैया, नाम क्या है इसका? लीजी। वो भाई एक्टिवनेस देखो भाई, खतरनाक। ये मुझे लग रहा है वीडियो नहीं बनाने देंगे एक भी। हाँ जी छह बच्चे भी अवेलेबल है, ओके। और मतलब मैं सबको रेकमेंड नहीं करता, जो पाल सकता है ना वो लोग, बाकी टैटू दिखा देते हैं भाई। ये सबसे पहले मैंने दिखाए थे इवन भाई, ये देखो इसको तो थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है, दिखाया था, हाँ जी, नया वाला बनाया। और बहुत जल्दी हमारे हाथों पे भी आने वाला है टैटू। यो ब्रो, ठीक है, बात करें अगर हस्की की तो ये आपका पहला डॉग है? ब्लैक वाला, अच्छा ये पहला डॉग है, ये दोनों होम ब्रीडिंग है। ये कर क्या रहे हैं, मतलब जब से आए हैं भागी जा रहे हैं, थोड़ी ना नेट की भीड़ होती है। हाँ ये देखो फुल बढ़िया बढ़िया। बाकी बस अगर बात करें अगर हस्की को मेंटेन कैसे करते हैं, मतलब मुझे हस्की के बारे में बताओ अगर कुछ। मेंटेन कैसे करते हैं भाई? देखो मेंटेनेंस के लिए ना क्या होता है ना, देखो बच्चा बंदा स्टार्टिंग से ना एडॉप्ट करता है, हाँ, पालता है, तो बड़ा कुत्ता ले रहा है वो अलग बात पड़ जाती है। बच्चा पाल रहे हो ना, हाँ, आपको तो उसके नॉलेज हो जाती है, ओके ओके, मतलब बचपन से ही आदत हो जाती है, ये खाता है वो खाता है, गाइडेंस देने के लिए मैं बैठा हूं, ओके। बाकी गाइस अगर आप एक डॉग ले रहे हो तो ये समझ लो एक छोटा सा बच्चा है, आप एडॉप्ट कर रहे हो एक तरीके से यार, वो ना बच्चों से भी ज्यादा केयर होती है डॉग्स की, और जैसे आप पालोगे जैसे आप ट्रेन करोगे वैसा ही डॉग। टाइम के पता होगा 26 जनवरी का टाइम था, शूट करने आ रहे थे, हाँ जी, एक सीन हुआ था, हाँ, और थोड़े टाइम पहले ना क्लाइंट का फोन आया था, मैंने बोला था फोन आएगा इनका, अभी तो कुत्ता वापस करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, बाद में ना यही चीज ना करेंगे नहीं सर, इसकी ना मैटिंग करवानी है। मैंने बोला सर आप कौन, मैंने आपको जानते थे। हाँ, तो मतलब क्या होता है कि कुछ लोग क्या होता है उनको नॉलेज नहीं होती, डॉग्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, पर वो शौक शौक के लिए डॉग लेते हैं भाई। डॉग्स ना आप छोटा है होता बच्चा, या 6 महीने का आप भी कुत्ता पालते हो, हाँ जी, आपके डॉग्स के ना फिक्स हो जाते हैं, ओके, ठीक है, कॉमन चीज है, कॉमन चीज है। जब आप बाहर निकलोगे, आपको पता है कि जब छोटा होता है तो कितना मतलब रिस्की होता है बाहर निकालना वगैरह, इसीलिए बोलते हैं लोग वैक्सीनेशन के बाद निकालो, मतलब है ना। तो क्या मतलब सीन हो गया था लास्ट में, मतलब फाइनल हो चुका है सारा कुछ? फाइनल तो मैं आपके साथ खत्म हो गया सारा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कल पर तो फोन आया था तो चीजें बताई है मैंने, मैं नहीं जानता आपको, ठीक है। बाकी बच्चे वगैरह भी इनके मिल जाएंगे अगर किसी को चाहिए होंगे, ब्लैक एंड मिल जाएगा, हाँ जी, जो चाहिए जो कलर चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है, रेटना भी हो रखे है, ठीक है, ऑल वेट तो मिल जाती है। और गाइस ये देखो जरा, इसे कहते हैं पुडल, पुडल बोलते हैं इसे, जो कि यार एकदम ऐसा लगता है कि स्वेटर है पूरा का पूरा। बहुत प्यारी डॉग ब्रीड है यार ये देखो, मतलब इसके बारे में मुझे बताओ अगर किसी को पुडल वगैरह चाहिए तो मतलब क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, इसके बारे में बताओ मुझे भाई। देखो एक तो ये टॉर्मिड होती है, हाँ जी, ठीक है, आप घर में रहने के लिए बेस्ट है, हाँ घर में रखने के लिए बेस्ट है, ओके। देखो तो ना आपके लड़के भी होती है,
लड़कियों की ज्यादा सुनते हो आप। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसके बच्चे भी मिल जाएंगे। क्या बात है भाई, ये देखो बहुत प्यारी है। वैसे डाइटिंग की बारी बात करें तो क्या डाइट वगैरह होती है इनकी? भाई जो स्टार्टिंग जो सैलेड्स एंड स्टार्टर वाटर होता है वही चलता है। बाकी तो घर के खाने पे भी कर सकते हो, बट रोटी होती है, राइस पे कर सकते हो। ओके, राइस वगैरह हो गया, जो लाइट लाइट खाना होता है। भाई बहुत कम मात्रा में खाते खाना। मैं भी कह रहा था ना आपको ब्रीड पपी चाहिए हो। हां जी, वो भी किसके पपी? अलास्कन के, जो डिमांड में रहते हैं। भाई कितने क्यूट क्यूट से पपी हैं यहाँ पे, ये देखो बहुत प्यारे हैं। अगर बात करें कितने डिस्क हैं ये? भाई अभी तो ये हो रहे 18 दिन के हैं। बहुत प्यारे प्यारे हैं ये देखो, आप इन्हें ले सकते हो 45 डेज के बाद, कभी भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी अभी बच्चा तो कहाँ, देखो 30 दिन का बच्चा ऐसा होता है। भाई सही है, मतलब बहुत प्यारा है। हाँ 30 दिन का पर इनकी ग्रोथ और प्यार हो गया भाई, औरों के मुकाबले इनकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है ना। बात करें इसकी मदर की आईज की तो हो, कौन सी आईज है ये? ब्लू आईज। ओके, तो यहाँ पे मतलब 4 पपीज हैं अभी इनके पास। ठीक है, और बाकी आते जाते रहते हैं, मतलब आते रहते हैं क्योंकि इनके पास मतलब मेनली ना सबसे ज्यादा अगर कोई मिलता है ना इनके पास ब्रीड, वो है हस्की। और सौरभ भाई ने तो सौरभ भाई मेरा प्लान ये है कि देखो अभी मेरे चैनल पे ना 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं इस वाले यूट्यूब चैनल पे। जैसे ही इस पे 15,000 सब्सक्राइबर प्लस में होते हैं और इस वीडियो पे 5,000 कमेंट होती है, मतलब वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जितने भी डॉग लवर्स हैं सब में फैला दो। तुम्हारा भाई देखो गिव अवे तो नहीं बोल सकता, इस चीज को फ्री एडॉप्शन करा देंगे एक डॉग की। कौन से डॉग की? इनमें से मतलब अगर देखो इसकी अगर हम प्राइसिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, बट देखो जिसका जो लेना चाहता है और ऐसे बंदे को देंगे जिसको जरूरत है, कदर हो, बच्ची से पाल दो ना, अच्छा कदर हो। हाँ मतलब रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए डॉग्स की, ये नहीं कि अब क्या करते हैं लोग इजीली परचेज कर लेते हैं फिर उनकी केयर नहीं कर पाते रोडों पर। हाँ मतलब रोडों पर ना छोड़े। तो फैमिली से बात करेंगे सबसे एकदम अच्छी तरीके से, हम 5 बंदे सिलेक्ट करेंगे, 4-5 बंदे, उनमें से सिर्फ एक बंदे को देंगे हस्की जो हमारी वीडियो काफी लॉन्ग टाइम से देख रहा है, और उसको हस्की अडॉप्ट करा देंगे फ्री में। ठीक है, ब्लू आईज हिप्नोटाइज, ठीक है ऐसी ब्लू आईज। ठीक है, ये भी बहुत प्यारा है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे डॉग ब्रीड दिखा दिए हैं, मतलब अभी तो हस्की दिखाई है पर आने वाली वीडियोज में सारी डॉग ब्रीड दिखा दूंगा। ठीक है सर, तो गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर सूरज दिल्ली वाले चैनल को सब्सक्राइब मार देना, क्यों, और मेक श्योर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना था पेट मेंशन और सूरज दिल्ली वाले को। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, टिल देन बाय, पीस आउट, बी अ लॉन्ग नाइट। It's gonna be a long night.